हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू फ्रेश वीडियो। और फ्रेश वीडियो भाई होने वाली है एक नॉलेज के ऊपर की। नॉलेज क्या होने वाली है भाई, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाने वाले हो तो कंटेंट के लिए यार एक सबसे अहम चीज़ है माइक। कि माइक होगा तो भाई कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वॉइस अच्छी होगी तो भाई सारी चीज़ अच्छी होने वाली है। और इसी को लेकर के भाई आज तुम्हारा भाई माइक का रिव्यू करने वाला है। और माइक अपने पास तीन होने वाले हैं, तीन माइक हैं भाई। 150 के अंडर, 150 रुपये के अंडर होने वाला है एक माइक जो कि लोकल माइक है। और दूसरा माइक है भाई अपना मानो AU400। जो तीसरा माइक है भाई रोड, जो कि रोड कंपनी है जानी मानी, उसी कंपनी का माइक है अपने पास। और माइक है तकरीबन, वो बताऊंगा वीडियो के आगे उसके जो रेट होने वाले हैं। और इसकी क्वालिटी भी बताऊंगा, अपनी जो बाइक की स्पीड है, जो भी वॉइस क्वालिटी है, वो भी सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले बारी बारी माइक को चेक करेंगे अपनी नॉर्मल स्पीड में भी, जो कि भाई 50 से 60 की स्पीड में, और 100 और 100 प्लस स्पीड में भी तीनों माइकों को चेक करेंगे कि भाई इनकी क्वालिटी क्या है और कितने अच्छे हैं और कितने कहां तक ये काम कर सकते हैं और कितना विंड नॉइस कैप्चर करेंगे और कितना विंड नॉइस ये कैप्चर नहीं करने वाले। सारी चीज़ इसी वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। लेते हैं भाई, सबसे पहले चलते हैं माइक की तरफ। माइक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सही से कि भाई माइक की क्वालिटी क्या है और कैसे कैसे माइक हैं और कितने कितने के हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले माइक को देखो एक बार। तो भाई ये रहे अपने तीनों माइक, जो कि एक माइक तो ये है अपना लोकल, एक है अपना ये मानो AU400, इसकी भी हालत देख लो आप, और ये है अपना रोड का, जो कि भाई सबसे छोटा है। इस पर मैंने टेप लगा रखी है यहाँ पे, क्योंकि भाई महंगा है, इसी वजह से रोड पे टेप लगानी पड़ गई। अगर माइक अगर इसकी लीड अगर क्रैक हो गई तो भाई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यह है भाई अपने कुछ माइक, और माइक के बारे में तो हम आपको बताने वाले हैं। यह है अपना लोकल माइक, जिसकी विंडशील्ड देख रहे हो कितनी मोटी है। और यह है अपना मानो कंपनी का माइक, जिसकी विंडशील्ड इस विंडशील्ड के मुताबिक काफ़ी छोटी है। और यह है रोड कंपनी का माइक, जिसकी विंडशील्ड इस मानो कंपनी के माइक से के मुताबिक और भी ज़्यादा छोटी है। तो सबसे पहले इन्हें करते हैं टेस्ट, और चलो बिना टाइम ख़राब करे चलते हैं वीडियो में। भाइयों आपने देखा होगा अभी माइक, और फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट करे सबसे पहले चलते हैं इसके रिव्यू के लिए, सबसे पहले चलते हैं इसके टेस्टिंग के लिए बिना देरी करे, क्योंकि भाई सूरज छुपने वाला है। क्योंकि मॉर्निंग का तो वक्त है नहीं, शाम का वक्त है, गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो इसी वजह से मैं निकला था थोड़ी लेट। तो टाइम बिना वेस्ट करे चलते हैं सीधा राइड पे। नहीं लगी थी,
नॉर्मल 150 के वाला, जो कि 150 वाले के साथ तो भाई मैं निकल चुका दोबारा छोड़ दिया। अभी इसका क्वालिटी भी अच्छे से चेक हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 80 हो चुका है, तो अभी देखूँगा कि भाई कैसी इसकी क्वालिटी है। तो नॉर्मली दोनों को तो अभी मैंने चेक कर लिया एक बार, और रोड लगाऊंगा मैं ये रोड के साथ इसके क्या कंपेरिजन है कि भाई कंपेयर दोनों में से कौन सा, तीनों में से कोई ना कोई आपस की टक्कर देगा नहीं देगा। तो भाई इसकी जो स्पीड है अपने नॉर्मली चेक हो चुकी है, ये फिल्म मुझे पता है कि इसमें वॉइस जो है अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी भाई मुकाबला तो मुकाबला होता है। ये दोनों का कंपेयर, तीनों का कंपेयर करके पता लग जाएगा कि भाई कंपेरिजन में कैसे तीनों हैं और कैसे फिल्म अपने अपने पकड़ रहे हैं। और ये तो 80 है, मुझे पता है कि 80 के बाद इसकी वॉइस काफ़ी अच्छी नहीं आ रही होगी। लेकिन यार ये है अपना नॉर्मली GoPro, ये बिना माइक बिना किसी चीज़ के GoPro डायरेक्ट चल रहा है। ये ना तो इसमें लोकल माइक कनेक्ट है और ना तो इसमें अपना मानो का माइक कनेक्ट है और ना इसमें रोड का माइक कनेक्ट है। ये अपना नॉर्मली डायरेक्ट वॉइस कैप्चर कर रहा है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ये ले रहा है। तो इसकी स्पीड जो नॉर्मल है 60 है, 60 की स्पीड है, तो 60 की स्पीड अब तो 40 हो गई। तो 60 की स्पीड में देखो कैसी आवाज़ आती है इसमें। उसकी आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लगी और जो मानो AU400 का उसकी क्वालिटी कैसी लगी और जो रोड का माइक है उसकी क्वालिटी कैसी लगी, यानी कि चारों की क्वालिटी मिला के कुछ डिफरेंस होता है नहीं होता, आपको कुछ नज़र आया नहीं आया कि विंड नॉइस का कितना कैप्चर करना, कितना शोर को इकट्ठा करना। भाई ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल है इनका। ये आप क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस, ये इसकी क्वालिटी, ये आपको 150 वाले माइक की क्वालिटी अच्छी लगी या 500 वाले माइक की क्वालिटी अच्छी लगी या फिर आपको भाई रोड के माइक की क्वालिटी अच्छी लगी या फिर नॉर्मल जो इसने कैप्चर किया था उसकी क्वालिटी अच्छी लगी। तो अभी है ना जितने भी माइक हैं सारे मैं बंद करके अपने इसमें रखने वाला हूँ। और सबसे खूबसूरत चीज़ भाई ब्रिज, इसके तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसके डेवरेज देख रहा हूँ कि भाई रास्ता क्यों कैसा आ रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा ले रहा है। तो सिग्नेचर ब्रिज के कुछ खासियत है, लगा दो बाइक साइड में। यहाँ से चले गए भाई, काफ़ी मेहनत कर ली।